बड़े दिनों के बाद पहुंचा मैं घर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वापस मेरे नए ब्लॉग में आप लोग का फिर से मैं स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। कहाँ छुप रहे हो आप? नए किचन में नया तरीके से खाना बन कर पापा के हाथ का खाए। आलू का पत्ती आलू का रोटी बन गई। भंडी कहाँ? नहीं, आलू का रोटी, टमाटर, मसाला, हल्दी, जीरा, ये सब चीज़ें। नमक। नया किचन का उद्घाटन कब हुआ? ये भाई किचन की पुट्टी उससे लगा नहीं है और उद्घाटन हो गया। ये हमारी भाभी साथ साथ टमाटर देखे लाए। अभी के डेट में सब्जी पापा ही बनाते हैं सुबह शाम उनका ड्यूटी। तो आप सब्जी क्यों बनाते हैं? हाथ तो पसंद नहीं आता खाता। पापा को दूसरे का हाथ का सब्जी पसंद है, अपने हाथ का सब्जी अच्छा लगता है बनाने। और माँ चावल रोटी बनाने, हमें मोटा मोटा रोटी बनता है। कश्मीरी रोटी हर आदमी देखा नहीं है, कैसा होता है कश्मीरी रोटी? कब कब बनेगा रोटी? कब? कल बनाओगे? कल बनाएंगे। कल आप लोग को दिखाऊँ कश्मीरी रोटी। हम लोग यहाँ का इतना मोटा मोटा रोटी, तीन टाइप की रोटी बनता है। हाँ, पापा को बहुत पसंद है वाला रोटी, कश्मीरी रोटी वही बनाते हैं। ठीक, आप बनाते हैं? मैं बनाता हूँ। पापा बनाते हैं। तो भाई ये है अपना किचन और यहाँ के उद्घाटन पापा के हाथ से हुआ है। हाँ, कल रोटी बनेगा, इतना मोटा मोटा रोटी भी बिछाऊंगा। और भाभी वाला किचन में खाना वाना कुछ नहीं बनता था यार, पापा लोग आए तब से यहाँ पे खाना वाना सब बनने लग गया। साफ सफाई किए ना यहाँ का, अच्छा लग रहा है। अब पुट्टी लग जाएगा तो और अच्छा दिखेगा। तो यार मैं जिस रोटी की मैं बात कर रहा था वो मैं हमारे यहाँ आज बन चुका है, क्योंकि आज दूसरा दिन है ना। तो मॉर्निंग में मम्मी बोली थी बनाने के लिए, तो बना चुकी है। अब मैं वो रोटी आप लोग को दिखाता हूँ कितना मोटा मोटा रोटी। तो गाइस सीरियसली ये देखो रोटी, ये मोटे मोटे रोटी शायद यार मेरे लिए ही बचा था। चपाती क्या बोलते हैं इस रोटी को, काफ़ी दिनों के बाद मैं खा रहा हूँ क्योंकि मम्मी लोग गांव में थे ना, तो अभी आए हैं यहाँ पे, तो ऐसा रोटी बनता है, नहीं तो पतले पतले रोटी बनते थे। चलो फटाफट करते हैं नाश्ता। यार मैं आज बहुत काफ़ी लेट से उठा था और अभी तीन दिन तक मैं घर पे ही रहूँगा क्योंकि अभी आउटडोर का काम बंद है ना, तीन दिन तक, तीन दिन के बाद चालू होगा। और ये रहा अपना डाइनिंग टेबल, रोटी और सब्जी और नींबू। इतने मोटे मोटे रोटी हैं, अगर पतले पतले रोटी बनाते तो लगभग 10 रोटी तो आराम से बन जाता। तो चलो अब नाश्ता करते हैं फटाफट। छोटी बच्ची हो क्या? जब से मम्मी आई है तब से मिक्सर का मसाला खाना भूल गए हैं। सिलपट्टा में मसाला पीसा जाता है।